नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम हरविंदर सिंह गरेवाल, ओनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। तो फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट के अनुसार आज हम टॉपिक का है कि रॉटवीलर की ब्रीड क्या है, कैसे रखना है और किसके बारे में सब कुछ। तो रॉटवीलर की ब्रीड बेसिकली बिलोंग करती है जर्मन से, वहाँ एक टाउन है रॉटवेलर, उसके नाम से ये नाम चला है। तो ये लगभग हर टेम्परेचर में रह लेता है, ये इस इंडिया के इस वेदर को तो इतने इतनी अच्छी तरह अडॉप्ट किया है कि इस लास्ट 10 ईयर्स इज अ बूमिंग इन इंडिया। ये वेरी गुड डॉग है, गार्ड डॉग है, आप पुलिस में भी इस डॉग को देखोगे। वन डे ये जर्मन के बिसाइड में खड़ा आपको आपके टाउन में, सिटी पुलिस में कहीं भी मिल जाएगा। इज अ वेरी गुड ब्रीड, वेरी गुड अंडरस्टैंडेबल ब्रीड, आप इसका जितना ध्यान रखोगे। लेकिन प्लीज इसको ओवरवेट मत करना, ये बहुत ही बढ़िया डॉग है, ये हर चीज सीख लेता है। आप इसको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सिखाते जाइए, बताते जाइए, इज अ नेवर एंड। तो प्लीज रॉटवीलर इज वेरी गुड। हाँ, इसको आप होम में भी रख सकते हो, लेकिन आप जैसे सभी डॉगों को, जैसे ये एग्रेसिव जरूर है, इसकी बाइटिंग कैपेसिटी ग्रिप लगभग सभी डॉगों से ज्यादा पावरफुल है। यस, ये बहुत ही डेंजर है ऑन ग्रिप के मामले में, लेकिन ये इतना खतरनाक है नहीं। मेरे खुद के पास 4 रॉटवीलर हैं और आई हैव अ सन 4 इयर्स ओल्ड, ही प्लेइंग विद देम ऑल द वे। तो आप कभी भी घबराइए मत। हाँ, लेकिन उसके कंटिन्यूस ट्रेनिंग, उसको सही गलत, एक मेरा वीडियो जैसे स्नैक्स के ऊपर है, उसके थ्रू से आप इसको कुछ भी सिखा सकते हो। इज अ वेरी गुड डॉग, वेरी गुड अंडरस्टैंडेबल डॉग, लेकिन आप इसके साथ थोड़ा जितना ज्यादा समय बिताओगे, इट्स मच अंडरस्टैंडेबल, ही आपको समझेगा, आप उसको समझ सकते हो। तो रॉटवीलर घर के रखने के लिए, हाँ बिल्कुल गुड डॉग है, वो बड़ा बड़ा घर मांगता है, और उसमें घर में अगर गार्डन हो तो इज अ वेरी, ही लव टू एंजॉय दैट प्लेस, आप उसको कुछ भी सिखा सकते हो, अंडरस्टैंडेबल डॉग। जैसे हम जानते हैं रॉटवीलर 2 ही कलरों में आता है, ब्लैक एंड कॉफी कलर में, इसके अलावा और किसी कलर में रॉटवीलर नहीं आता। अगर कोई पैचेस है किसी और कलर के, विच मीनिंग दैट प्योर नहीं है, इन बातों का। इसका हेड काफी बड़ा होता है, इसके आगे से नाम बहुत हैं, टाइगर लाइन, फलाना, इनका बहुत सारे लाइन है, लेकिन ऐसा ओरिजिनल में ग्रामर में कुछ नहीं है। डॉग आप वो लो वेट हो सकता है, मस्कुलर टाइप हो सकता है, और जैसे कि वो हाइट में ऊंचा हो सकता है, लेकिन दे आर ऑलवेज इन रॉटवीलर, दिस वेरी अंडरस्टैंडेबल ब्रीड। अभी ये न्यूयॉर्क डॉग शो में आई थिंक 4th स्थान पर था, इज अ वेरी गुड डॉग। और आप जब भी रॉटवीलर लें, हैवी बोन लें, हैवी बोनस, अब काफी भारी भरकम बच्चा लें, उसका काफी हेड बड़ा हो, अगर ये है हाथ पैर काफी स्ट्रांग होने चाहिए, तो ये कंटिन्यूसली ही बिग डॉग, लार्ज ब्रीड डॉग बना रहेगा। तो प्लीज केयरफुल जब वो बाय कीजिए, इन बातों का ध्यान रखिए माय फ्रेंड्स। मेनी थैंक्स फॉर योर लव, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। अभी हम मेरे पास मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं, दिस इज ऑल क्रेडिट for you, because of you I'm still small ants of this world, lekin main jitna ho sake aapke har sawal ka jawab dene ki koshish karta hu. I'm deeply apologize, main itni jaldi comment reply nahi kar pata, whatsapp reply nahi kar pata, aur call nahi utha pata, lekin when I'm free I am doing wo har cheez karne ki koshish karta hu, har ko reply karne ki koshish karta hu, isliye hum please meri request hai friend se, हम मंगलवार और वीरवार 2 दिन लाइव होते हैं 7:30 बजे से 8-9 बजे तक। तो प्लीज जितने हो सके आपके क्वेश्चन हमें लाइव में पूछिए, इट्स मच हेल्प फॉर मी, एंड मैं उसको बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि कुछ बातें मैं टेक्स्ट कर समझा नहीं पाता, इस डीपली अपोलोजाइज, लेकिन हमें वहां लाइव देखिए। अगर हमें और समय हो तो हम सैटरडे को भी लाइव आने का प्लान है। तो प्लीज फ्रेंड्स मेक अ पेशेंट, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे टेक्स्ट का, व्हाट्सएप का, कमेंट का वेट करते हो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। एंड और भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरी जो वीडियो है ये आप देखिए, प्लीज हेल्प, थैंक यू वेरी मच।